हेलो एवरीवन वेलकम टू ओरिजिन आज के इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे क्लास ट्वेल्थ के पोएट्री का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट और जिसके पोएट हैं पेब्लो नेरुडा सो so, हम स्टार्ट करने वाले हैं इस पोएम की समरी लाइन टू लाइन हम इस पोएम को समझेंगे देन हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे so, सो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट स्टैंडा है जो पोएट है वो कहते हैं कि जो पोए पैब्लो नरूडा है हमारे पोएट वो इस लाइन पर कहते हैं कि Now we will count to twelve, and we will all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for one second and not move our arms so much. अब यहाँ पे जो poet है वो कहते हैं कि मैं twelve तक count करूँगा and आपको शांत रहना है. Clear? वो अब वो twelve क्यों कहना चाहते हैं? Twelve से उनका मतलब हो सकता है twelve months ही नहीं यार. एंड उनका मतलब हो सकता है कि एक क्लॉक में टोटल ट्वेल्व आवर्स होते हैं है, है। तो कह, हो है। है कि वो जब ट्वेल्व तक काउंट करे तो क्या है हम शांति से खड़े रहें मीन्स कुछ भी ना बोले और जब तक हम शांत रहेंगे हमें अपने हाथ पैर भी मूव नहीं करने हैं पोएट चाहते हैं कि उस बीच कोई सी भी भाषा ना बोली जाए कोई सी भी लैंग्वेज ना बोली जाए इससे क्या होगा जो नहीं बोली जाएगी कोई भी किसी नहीं की जाएगी कोई लैंग्वेज बोली ही नहीं जाएगी तो पोएट यहां पे चाहते हैं कि वो जब तक ट्वेल्व तक काउंट कर रहे हैं हमें क्या रहना है शांत, शांत रहना है फेस ऑफ अर्थ का मतलब क्या है पूरे वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड में शांति होनी चाहिए उन 12 कोई सा भी लैंग्वेज स्पीक नहीं करना है लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज लेट्स स्टॉप फॉर वन सेकेंड एंड नॉट मूव अवर आर्म्स मच मतलब हम अब जब हम शांत रहेंगे हमें अपने आर्म्स भी ज्यादा मूव नहीं करने हैं अब आर्म्स का यहां दो मीनिंग होता है आर्म्स का क्या क्या मीनिंग होता है फर्स्ट मीनिंग इज अवर हैंड्स ये भी हमारे आर्म्स है एंड सेकेंड मीनिंग जो कि इसका एक मेटाफॉर मीनिंग होगा वो होता है क्या वेपन आर्म्स मीन वेपन होते हैं वेपन्स को भी हम आर्म्स कहते हैं सो so, यहां पे उनका मतलब ये दोनों से हो सकता है कि हमें अपने हाथ मूव नहीं करने या हमें अपने हथियार मूव नहीं करने तो हमारे फर्स्ट स्टेंजा से हमें ये चीज समझ में आती है नेक्स्ट स्टेंजा में हमारे पोएट कहते हैं सेकेंड स्टेंजा हमारा इस लाइन तक है ओके okay? यहां तक हमारा सेकेंड है इट वुड बी एन एक्जॉटिक मोमेंट विदाउट रश विदाउट एंजेंस वी वुड बी ऑल टूगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस अब यहां पर जो पोएट है वो कहते हैं ये एक एक्सॉटिक मोमेंट होगा ये एकटिंग मोमेंट होगा स्ट्रेंज मोमेंट भी होगा बट बहुत ही अच्छा मोमेंट होगा क्यों होगा अब सडनली कहीं पर शांति है तो अजीब तो लगेगा ही लगेगा बट ये जो शांति वो बहुत अच्छी होने वाली है अच्छी क्यों होने वाली है हमें आगे पता चलेगा बट यहाँ पे पोएट कहते हैं कि जब हम शांत रहेंगे हम सब एक साथ रहेंगे एक साथ क्यों रहेंगे क्योंकि जब हम लैंग्वेज का बात करते हैं तभी हमारे बीच लैंग्वेज का बैरियर क्रिएट होता है एंड हम कुछ उल्टा सीधा बात किसी से कर सकते हैं या को हम मैं एक लैंग्वेज बोल रहा हूं सामने वाला दूसरा लैंग्वेज बोल रहा है तो हमारे बीच एक लैंग्वेज का बैरियर होगा बट जब कोई बात ही नहीं करेगा जब हर कोई शांत रहेंगे तो लैंग्वेज का वो बैरियर क्रिएट ही नहीं होगा तो वो दोनों भी आपस में एक साथ हो जाएंगे अगर किसी को कुछ बोल के मैं लड़ाई कर रहा हूं बट अगर मैं बोलना ही बंद कर दू तो वो लड़ाई भी नहीं होगी एंड हम दोनों भी साथ हो जाएंगे तो यहाँ पे जब हम कब जब कोई बात नहीं चलते रहेगी तो सब साथ होंगे एंड सडनली शांति और सडनली सबका एक साथ होना स्ट्रेंज होगा एक्साइटिंग होगा बट बहुत ही खूबसूरत होगा और बहुत ही अच्छा होगा ये yes, ये कहना चाहते हैं जो पोएट है वो हमारे सेकेंड में अब थर्ड स्टेंजा में पोएट क्या कहते हैं फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हॉट हैंड्स अब यहां पे क्या कहते हैं जो पोएट है वो कि जो फिशरमैन जो सी में है कोल्ड सी में जो फिशरिंग फिशिंग कर रहे हैं मीन्स कोल्ड सी में जो फिशरमैन मछली पकड़ने गए हैं उन लोग क्या करेंगे मछली पकड़ना बंद कर देंगे क्योंकि हमें मूवमेंट भी नहीं करना है हमें शांति से खड़े हो जाना है बिना कुछ बोले अपने हाथ पैर भी ज्यादा मूव नहीं करने हैं तो इससे क्या होगा जो फिशरमैन है वो फिशिंग करने नहीं जाएंगे एंड फिशिंग की वजह से समुद्र में जो वेल है वो बच जाएगी अब यहाँ पे पोएट सिर्फ वेल पे इशारा नहीं कर रहे पोएट हर उस प्राणी पे इशारा कर रहे हैं हर उस जानवर पे इशारा कर रहे हैं जो पानी में रहते हैं क्या होगा इससे फिशरमैन जब फिशिंग नहीं करेंगे तो वो तो बचे हुए रहेंगे तो यहां पे पोएट ये कहते हैं कि अगर हम शांत रहेंगे तो इससे एनिमल्स को भी फायदा होगा अब नेक्स्ट लाइन में पोयम पोएट कहते हैं एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट्स हर्ट हैंड्स अब जो आदमी सॉल्ट इकट्ठा कर रहे हैं समुद्र किनारे नमक इकट्ठा कर रहे हैं उन्हें अपने छिले हुए हाथों पे अपने चोट खाए हुए हाथों को ट्रीट करने का टाइम मिलेगा उन उनपे दवाई लगाने का टाइम मिलेगा अपना केयर करने का टाइम मिलेगा जो कि नॉर्मल डेज में उन्हें नहीं मिलता इससे ह्यूमन जो हमारा ह्यूमन प्रजाति जो है उसे भी ट्रीट होने का टाइम मिलेगा उसके लिए भी अच्छा टाइम मिलेगा केयरफुल होगा तो इससे एनिमल्स एंड ह्यूमंस दोनों का फायदा होगा ये हमारे जो पोएट है वो हमारे थर्ड स्टेंजा से कहना चाहते हैं नेक्स्ट स्टैंडा पे पोएट कहते हैं दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स अब यहाँ पे पोएट बात कर रहे हैं उन लोगों की जो इस दुनिया में लड़ाई छिड़वाते हैं जो इस दुनिया में लड़ाई स्टार्ट करवाते हैं। तो किन-किन तरह की लड़ाई? ग्रीन वॉर्स वॉर्स विद गैस वॉर्स विद फायर विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे किस लिए जीत तो गए बट जीत का जश्न मनाने के लिए आदमी नहीं बचे इस लाइन से पोएट यही कहना चाहते हैं कि जीत तो गए बट जीत का जश्न मनाने के लिए आदमी वहां पे नहीं बचे मीन विक्ट्री तो मिली बट सर्वाइवर कोई नहीं रहा जीत तो गए हर कोई जीतेगा बट जिंदा कोई नहीं रहेगा अगर हम इस तरीके से लड़ते रहे तो यहां पे किन किन लड़ाई की बात कर रही है कर रहे हैं पोइट ये हमें ध्यान में रखना है एक तो ग्रीन वॉर एक वॉर्स विद फायर एंड वॉर्स विद ग्रीन गैस वॉर्स विद गैस अब ये हमें क्यों याद ध्यान में रखना है क्योंकि जो एक्सट्रैक्ट बेस एक्सट्रैक्ट बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं पोयम से उनके हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है अब यहाँ पे ये कहना चाहते हैं पोएम पोएट जो है वो जो लड़ाई करवाते हैं उन लोग की तरफ इशारा करके कह रहे हैं कि लड़ाई करना बंद करवाओ अपने कपड़े चेंज करो साफ सुथरे कपड़े डालो जो खुद दूसरों के खून से सने हुए कपड़े उनको उतारो एंड साफ सुथरे कपड़े डालो एंड देन वॉक अबाउट विथ देयर ब्रदर्स अपने भाइयों के साथ चलना शुरू करो भाई इन द सेंस जो आम लोग हैं जो नॉर्मल पब्लिक है उनके साथ प्यार से रहना स्टार्ट करो उनके साथ रहना स्टार्ट करो एंड देन इन द शेड डूइंग नथिंग मीन्स छाया में बिना कुछ किए एक तरीके से ये जो लड़ाई करवा रहे हैं उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि लड़ाई करना बंद करो कपड़ा चेंज करो मींस अपना रास्ता बदलो जो भी तुम हो उससे थोड़े अच्छे इंसान बनो एंड अपने भाई बहनों के साथ रहो अपने आम लोगों के साथ शांति से रहो बिना कुछ खून खराबा किए इस स्टेंजा पे हमारे पोएट जो है वो ये कहना चाहते हैं। अब हमारा, अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि मैं जो बोल रहा हूं उसे टोटल इनएक्टिविटी से कंपेयर ना किया जाए अब टोटल इनएक्टिविटी का यहां पे मीनिंग क्या है डेथ पोएट कहना चाहते हैं कि मैं डेथ की बात नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ शांत रहने की बात कर रहा हूं अब वो क्या कहना चाहते हैं वो हमें पे पता चलेगा। पहले हम इस को समझ लेते हैं no the, uh, जी जा सकती है मैं डेथ की तरफ इशारा नहीं कर रहा मैं शांत रहने की तरफ इशारा कर रहा हूं अब नेक्स्ट स्टेंजा में हम देखते हैं कि इससे पोएट क्या कहना चाहते हैं इसके बाद हम एक साथ भी देखेंगे कि पूरे पोयम का यहाँ पे क्या मीनिंग निकलता है अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेंसा ंगल माइंडेड we so अब यहां पे सिंगल माइंडेड का मतलब क्या हुआ सेल्फिश अगर हम इतने सेल्फिश नहीं हुए अबाउट कीपिंग अवर लाइफ मूविंग अब मैं एक साथ आपको इसको लास्ट में समरी बताऊंगा पहले हम रीड कर लेते हैं एंड फॉर वंस कुड ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ एंड ऑफ थ्रेटनिंग अवर सेल्फ विद डेथ अब पोइट ये कहना चाहते हैं कि अगर हम इतने सिंगल माइंडेड नहीं हुए मीन्स अबाउट अब किस चीज में सिंगल माइंडेड सेल्फिश मींस सिर्फ हमारी लाइफ मूव हो मींस हमारा काम अच्छे से चलते रहे हमारी जिंदगी अच्छे से चलते रहे दूसरे के लाइफ में क्या हो रहा है हमें इससे फर्क नहीं पड़ता है एंड फॉर वंस कूड परहेप्स ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस मीन्स ये जो सेल्फिशनेस है जब हम शांत रहेंगे तो ये चीज को क्या कहते हैं uh, जो सैडनेस है जो सेल्फिशनेस है वो कम हो जाएगी अब किस तरीके से कम होगी जब हम शांत होंगे तो हमें खुद के बारे में सोचने का मौका मिलेगा खुद के बारे में जब हमें सोचने का मौका मिलेगा तो हम यह भी सोचेंगे कि दूसरे किस चीज से डील कर रहे हैं एंड जब हम खुद से के बारे में समझेंगे दूसरों के बारे में समझेंगे तो हमारे अंदर की जो सेल्फिशनेस सेल्फिशनेस है वो अपने आप कम हो जाएगी एंड लास्ट लाइन पे पोइट फिर से यही कहना चाहते हैं थ्रेटनिंग अवर सेल्फ विथ डेथ अब इस चीज को फिर से डेथ से कंपेयर नहीं करना है हमें सेल्फिशनेस को अपने अंदर से रिमूव करनी है और वो क्या हेल्प करेगा जब हम शांत रहेंगे अब शांत रहने का मतलब क्या है ये poet हमें में में बताते हैं हैं तो अब हम चलते हैं हमारे अर्थ कैन टीच अस एज एवरीथिंग प्रूफ टू बी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन लाइन है इस पूरे पोयम का यहां से लेकर यहां तक जो है वो इस पूरे पोयम का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो चुका है इसका मतलब क्या अभी थोड़ी देर में हम समझेंगे अब, अब हम इसी का मतलब समझते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है अब यहाँ पे पोएट ये कहते हैं कि जो हमारा मदर अर्थ है जो अर्थ है वो हमें सिखा सकता है शांत रहना क्या सिखा सकता है एज वेन एवरीथिंग थिंग सिम्स डेथ जब सब कुछ मरा हुआ लगता है बट फिर भी बाद में पता चलता है कि वो तो जिंदा था अब इसका एग्जाम्पल क्या हुआ इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं एक बीज से जब हम मिट्टी में बीज डालते हैं तो वो मिट्टी का में जो हम बीज डाले हैं उससे पता ही नहीं चलता कि इसके साथ क्या होने वाला है अब वो बीज मरा हुआ दिखता है ऐसा लगता है कि ये बीज तो डेड है पता नहीं इससे क्या होगा बट आफ्टर सम टाइम्स कुछ दिन बाद उससे जड़ निकलता है उससे स्टेम्स निकलते हैं उसी बीज से ही एक बड़ा सा पेड़ बन जाता है स्टार्टिंग में वो बीज मरा हुआ दिख रहा था बट बाद में इतना बड़ा पेड़ उस बीज से बना ये अर्थ हमें सिखा सकता है अर्थ जो है मदर नेचर है वो उससे हमें ये चीज सीख मिल सकती है अब पोएट कहते हैं कि अब मैं तक गिनूंगा नाउ आई विल काउंट अप टू ट्वेल्व आपको शांत रहना है फिर मैं चला जाऊंगा और पोएट यहां पे ये कहना चाहते हैं कि अब जो मैं बताना चाहता हूं जो मैं बोलना चाहता हूं वो मैं आपको इतने देर में बता चुका हूं अब मैं ट्वेल्व तक काउंट करता हूं आप शांत रहिए एंड देन आई विल गो और यहां पे हमारा जो पोयम है कीपिंग क्वाइट बाय द ऑथर दैब्लो नरुडा पोएट कंप्लीट हो जाती है तो यह भी काफी ब्यूटीफुल स्टोरी थी जस्ट लाइक प्रीवियस वन एक बार हम लाइन से फिर से देख starting से देख लेते स्टार्टिंग एक साथ जोड़ के कि क्या क्या हमने इस पोयम में देखा तो इस पोयम में हमने देखा कि जो पोएट है वो कहते हैं कि मैं ट्वेल्थ तक तो काउंट करूंगा एंड आपको शांति से रहना है अब इस शांति का मतलब यह है कि कोई भी भाषा नहीं बोली जाएगी हमें अपने हाथ पे रिमूव नहीं करने हैं भाषा नहीं बोली जाएगी तो लैंग्वेज बैरियर लैंग्वेज बैरियर हटेंगे हार्श लैंग्वेज हम नहीं बोलेंगे इससे हमारे बीच फ्रेंडलीनेस बढ़ेगा हमें यूनिटी जो है वो इंक्रीज होगी अब नेक्स्ट स्टेंजा में पोएट कहते हैं कि ये काफी स्ट्रेंज मूवमेंट होगा एक्साइटिंग मूवमेंट होगा एंड ब्यूटीफुल मूवमेंट होगा क्योंकि ये शांति जो है वो हमारे हैप्पीनेस की तरफ हमें ले जाएगी नेक्स्ट इस में कहते हैं जो फिशरमैन है वो फिशिंग करना बंद कर देंगे इससे क्या है जो सी में जो जानवर है उन्हें प्रोटेक्शन मिलेगी एंड जो लोग नमक इकट्ठा कर रहे हैं उनके हाथ जो छिले हुए हैं उन्हें अपने हाथ को ट्रीट करने का टाइम मिलेगा इससे एनिमल्स और ह्यूमन दोनों का फायदा होगा नेक्स्ट जो हमारे पोएट वो कहते हैं कि जिन लोग लड़ाई छिड़वाते हैं जिन लोग ग्रीन वॉर्स कराते हैं गैस का वॉर्स कराते हैं फायर का वॉर कराते हैं जिसमें विक्ट्री तो मिलती बट सर्वाइवर नहीं बचते हैं उन लोगों से पोएट का कहना है कि तुम अपने खून से सने हुए कपड़ों को चेंज करो साफ सुथरे कपड़े पहनो अपने भाइयों के साथ बिना कुछ किए शांति से रहो

अगर हम इतने सेल्फिश नहीं होते अबाउट कीपिंग अवर लाइफ मूविंग मीन्स हमारा ही लाइफ चलते रहे किसी और के लाइफ में क्या हो रहा है इससे हमें फर्क ना पड़े बट अगर हम शांत रहेंगे तो ये जो चीज है वो हमारे माइंड से जो है वो निकल जाएगी हम दूसरों के बारे में भी सोचेंगे और ये जो बुरा चीज हमारे अंदर है ये हमारे अंदर से निकल जाएगा एंड लास्ट लाइन पे पोइट जो कहते हैं कि इस चीज के बारे में अर्थ हमें सिखा सकता है कि, कि किस तरीके से शांत होते हुए भी जिंदा रहा जा सकता है चीजें मरी हुई नजर आएगी बट बाद में पता चलेगा कि ये जिंदा है उसका एग्जाम्पल क्या है एक बीज जिस तरीके से एक बीज को बोते वक्त ऐसा लगता है कि वो मरा हुआ है बट बाद में उससे एक पेड़ निकल जाता है एंड लास्ट में जो पोएट है वो अपने स्टोरी को एंड करते हैं कि मुझे जितना कहना था वो मैं कह चुका अब मैं बारह तक काउंट करूंगा उस वक्त तक आपको शांत रहना एंड मैं चला जाऊंगा और यहां पे हमारा पोयम का समरी भी एंड हो जाता है अब हम देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस देन ये पोयम हमारा बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा तो so, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डस पेब्लो न रूडा वांट्स टू काउंट टिल ट्वेल्व एंड कीप स्टिल अब यहाँ पे हमें वो सारे पॉइंट्स लिखने हैं जो अथर ने इस स्टोरी में इस पोयम में एक्सप्लेन किए हैं कि वो क्यों शांत रहना चाहते हैं इससे हमारे अंदर यूनिटी आएगी हमारे अंदर फ्रेंडशिप बढ़ेगी लोगों के बीच हमें टाइम मिलेगा अपने खुद के लिए एंड और क्या कह सकते हैं हम हमें मेडिटेशन का वक्त मिलेगा खुद को समझने का वक्त मिलेगा खुद को अंडरस्टैंड करने का टाइम मिलेगा एंड और जो भी चीजें पोएट ने यहां पे लिखी वो सब हम इसमें डाल सकते हैं कि पोएट क्यों हमें शांत रहना चाहते हैं क्यों चाहते हैं कि हम उतने देर तक शांत रहे क्लियर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट टोटल इन एक्टिविटी एंड डेथ तो यहां पर क्लियरली मैंने बताया है नो no. नहीं पोएट क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं कि हमें उसे टोटल इनएक्टिविटी या डेथ से कंपेयर नहीं करना है बस इसका आंसर तो यही है क्योंकि वहां पे पोएट ने क्लियरली उस, उस में लिख दिया है कि इसे टोटल नेक्टिविटी से कंपेयर नहीं करना है लाइफ जैसी है वैसी जी जा सकती है शांत रहने से मतलब यही जरूरी नहीं कि मर, मर जाया जाए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज द सैडनेस दैट द पोएट रिफर टू इन द पोयम अब यहां पे सैडनेस क्या है सैडनेस है हमारा सिंगल uh, माइंडेडनेस या एक तरीके से सेल्फिशनेस अब किस चीज की सेल्फिशनेस की हमारा जो ओनली अवर लाइफ सिर्फ हमारी लाइफ चलती रहे बाकी की लाइफ में क्या हो रहा है हमें कोई फर्क नहीं पड़ना तो इस सैडनेस का क्या मतलब है सिंगल माइंडेडनेस सेल्फिशनेस अवर लाइफ शुड बी मूविंग नो मैटर वॉट इज गोइंग ऑन इन अदर पीपल्स लाइफ इसका आंसर हमें यह लिख देना है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द एक्सॉटिक मोमेंट दैट पोएट रिफर्स टू इन द कीपिंग क्वाइट किस एक्सॉटिक मोमेंट की बात कर रहे हैं मैंने कई बार यह चीज आपको एक्सप्लेन कर दिया इस पोएम की समरी में तो यह क्वेश्चन आपके लिए क्या है होमवर्क है हर च, पोएट से हर पोयम से हर चैप्टर से मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूं तो आज आपके लिए ये क्वेश्चन होमवर्क है होमवर्क आंसर कहां करना है कमेंट बॉक्स पे कुछ और डाउट हुआ तो भी कमेंट करिए सारे कमेंट्स के रिप्लाई आपको टाइम टू टाइम मिल ही जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वाई वन फील अ सडन स्ट्रेंजनेस ऑन काउंटिंग टू ट्वेल्व एंड कीपिंग क्वाइट अब ये जो क्वेश्चन है स्ट्रेंजनेस एंड एक्सोटिक मूवमेंट ये दोनों सेम है क्लियर यहां पे बताया गया कि क्या एग्जॉटिक मोमेंट है अब ये स्ट्रेंजनेस क्यों फील होगी स्ट्रेंजनेस इसलिए फील होगी क्योंकि सडनली जब शांति हो जाएगी सडनली जब सब आपस में दोस्त बन जाएंगे सडनली जब सब में यूनिटी आ जाएगी तो स्ट्रेंजनेस तो फील होगा ही अभी सब लड़ रहे थे अभी सब प्यार में बढ़ गए क्योंकि सब शांत थे अचानक शांत हो जाएंगे कहीं पे मशीन की आवाज नहीं आएगी कहीं पे एक, किसी लैंग्वेज की साउंड नहीं आएगी चारों तरफ सिर्फ शांति ही शांति रहेगी तो स्ट्रेंजनेस तो लगेगा ही क्योंकि हमारे अंदर हमें एक आदत पड़ चुकी है एनी टाइम मशीन का साउंड सुनने की लोगों की आवाजें सुनने की गाड़ियों की आवाजें सुनने की बट जब यह चीज हमें सुनाई नहीं देगी तो स्ट्रेंज हमें लगेगा ही लगेगा ओके फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ वुड कीपिंग क्वाइट अफेक्ट लाइफ इन अराउंड एंड द सी अब यह क्वेश्चन क्या है लाइफ को कैसे अफेक्ट करेगा और सी को कैसे अफेक्ट करेगा तो लाइफ को कैसे अफेक्ट करेगा जो सॉल्ट कलेक्ट कर रहे हैं उन्हें अपना ट्रीटमेंट का टाइम मिलेगा अपने हैंड का एंड अनदर थिंग जो ह्यूमन के साथ होगा वो क्या होगा अंडरस्टैंड करने का टाइम मिलेगा खुद को खुद को समझने का टाइम मिलेगा अब सी में क्या होगा सी में यहां पे होगा जो फिशरमैन है जो फिशरमैन है वो क्या करेंगे मछली पकड़ना बंद कर देंगे फिशिंग करना बंद कर देंगे इससे जो वेल्स हैं वेल इन द सेंस जो एक्वाटिक एनिमल्स है वो क्या रहेंगे सेफ रहेंगे तो पे हमें क्या हमें क्या समझ आता है कि को क्या क्या फायदा होगा एंड एक्वाटिक एनिमल्स को क्या, -क्या होगा आप आपको मुझे एग्जाम के टाइम पे अभी हमें सिर्फ ये डिस्कस करना है कि क्वेश्चन आंसर हमसे बन रहे या नहीं एंड जो पोयम है वो हमें समझ आ है या नहीं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ वुड कीपिंग क्वाइट अफेक्ट लाइफ इन एंड अराउंड सी कंप्लीटेड उ विल कीपिंग क्वाइट प्रोटेक्ट अवर इन्वायरमेंट कंप्लीटली डन ये जो क्वेश्चन है वो भी रिपीटेड है जो हम मैंने इसका आंसर लिखा है वर्ड टू वर्ड हमें यहां पर छाप देना है नेक्स्ट क्वेश्चन विच इमेज इन द पोयम कीपिंग क्वाइट शो दैट पीपल कंडेम्स वायलेंस ओके सो ये क्वेश्चन हमारा क्या कहता है विच इमेज इन द पोयम कीपिंग क्वाइट शो दैट द पोएट कंडेम्स वायलेंस अब यहां पे क्या होता है कौन सा इमेज मीन्स कौन सी जो लाइन है इस पोयम पे वो ये बताती है कि पोएट जो है वो वायलेंस को कंडेम करता है तो ये क्या बताता है पता है अभी मैं आपको दिखाता हूं देखिएगा ये यहां से यहां तक ये वाली जो लाइन है ये हमें बताती है कि पोएट जो है वो को पोएम करता है तो हमें इसे यहां पे ये वाली लाइन को उसमें लिख देना है सो तो ये लाइन याद रखनी पड़ेगी एंड इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते नहीं तो उस क्वेश्चन का आप टेंशन मत लीजिए वो एग्जाम में नहीं आएगा क्योंकि पोयम आपको याद नहीं करना है ठीक है पोयम आपको याद नहीं करना है सिर्फ समझना है तो इसका आंसर ये होगा बट वो एग्जाम में वो क्वेश्चन आएगा नहीं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन वट विबली है वही उस का भी तो मैं हर वीडियो पे आपको एक लाइन जरूर रिपीट करता हूं कि इंग्लिश में नए क्वेश्चन आएंगे बट आंसर सेम रहेंगे वही केस हर जहां बार हो रहा है और मैं हर बार ये चीज आपको याद दिलाता हूं कि इंग्लिश में आप कुछ ही क्वेश्चन करिए जितने मैं करा रहा हूं वो भी सफिशियंट है ओके इसकी गारंटी मैं देता हूं जितने क्वेश्चन है अगर कोई न्यू क्वेश्चन आया तो यहीं से बनने वाले हैं। के सेम लिखने वाले हम क्लियर तो बस आपको कैच करना है कि कौन से क्वेश्चन सेमसर्स कुछ ही है बट क्वेश्चन बहुत सारे हैं तो हमारे लिए फायदे की बात है कि अलग अलग क्वेश्चन आते जाएंगे बट आंसर हमें सेम सेम लिखते रहना है ओके फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन लाइफ इज वाट इट इज ऑल अबाउट हाउ इज कीपिंग क्वाइट रिलेटेड टू लाइफ अब देखिए यहां पर ये वाला लाइन आया है लाइफ इज ऑल अबाउट लाइफ इज ऑल अबाउट वॉट इट इज अबाउट लाइफ इज वाट इज इट इज अबाउट हाउ इज कीपिंग क्वाइट रिलेटेड टू लाइफ अब ये भी सेम क्वेश्चन है आप बोलेंगे क्यों क्योंकि हमें यहाँ पे बताना है कि कीपिंग क्वाइट लाइफ से क्यों रिलेटेड है अब कीपिंग क्वाइट लाइफ से क्यों रिलेटेड है इसमें हमें फिर से फायदे लिखने हैं शांत रहने के अब शांत रहने के फायदे हमने इस क्वेश्चन पे भी लिखे हैं उसके पहले वाले क्वेश्चन पे भी लिखे हैं वही चीज हमें यहां फिर से लिख देनी है क्वेश्चन बहुत अलग है बट आंसर फिर से सेम अब इसका अलग आंसर क्या होगा पता है बस हमें यहां से शुरू कर देना है

सस्पेंशन ऑफ एक्टिविटीज सेम एज सेम एज कीपिंग क्वाइट यहां पे दोनों का मतलब एक ही है आप शांत रहो या आप काम करना बंद कर दो एक ही चीज हुआ इसका मतलब तो आप शांत रहोगे तो भी लड़ाई नहीं होगी तो भी यूनिटी आएगी तो भी लोग साथ में रहेंगे तो भी नेचर को फायदा होगा तो भी एक्वाइटिक एनिमल्स को फायदा होगा सॉल्ट वालों को फायदा होगा वेल को फायदा होगा और सेम चीजें होंगी अगर आप अपना जो एक्शन है इसमें क्या कह रहे हैं एक्टिविटीज uh, को अगर आप बंद कर दिए तो भी आप शांत रहेंगे तो भी आपके बीच फ्रेंडलीनेस रहेगी तो भी आप सब यूनाइटेड रहेंगे लैंग्वेज बेरियर हट जाएगा किसी के बीच लड़ाई नहीं होगी सब दोस्ती के साथ रहेंगे अगर एक्शन नहीं होगा तो इन्वायरमेंट सेफ रहेगा वेल सेफ रहेंगे सॉल्ट वाले सेफ रहेंगे ह्यूमन सेफ रहेंगे सेम चीज कुछ डिफरेंस नहीं है तो यहां में लाइन से आपको तीन क्वेश्चन दिखा दिया जिसमें क्वेश्चन बहुत अलग अलग है क्वेश्चन आपस में रिलेटेड दिख ही नहीं रहे बट थोड़ा सा जब आप सोचेंगे आपको पता चल जाएगा अरे आंसर तो सेम ही है चीज तो को आपको ध्यान को रखना है कुछ क्वेश्चन कुछ आंसर है और क्वेश्चन कई सारे हैं okay. क्लियर सेन किया है ये दो आपके लिए होमवर्क है पिछले पेज में, में। यह दोनों के आंसर मुझे चाहिए कमेंट पे नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंस ऑफ द ड्रामेटिक काउंट टू ट्वेल्व इन कीपिंग क्वाइट अब यह भी मैंने स्टार्टिंग में आपको बनाया क्या एनालाइज करना है कि पोएट

जितने टाइम के लिए शांत रह सकते हो रहो काम धंधा मत बंद करो शांति से रहो अब यहां बात बातचीत बंद कर दो हर चीज बंद कर दो ये नहीं है शांत रहो लोगों से प्यार से बात करो लड़ाई झगड़ा मत करो आर्म्स का मतलब हाथ नहीं आर्म्स का मतलब वेपन शांत रहने का मतलब बात करना बंद करना नहीं गंदा बात करना बंद करना ये पोट स्टोरी के इस पोयम के थ्रू कहना चाहते हैं ओके लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे हाउ इज द पोएट्स अपील फॉर कीपिंग क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम एबसलूट स्लगिनेस फिर से रिपीट क्यों रिपीट अभी बताता हूं मैं आपको डू यू थिंक पोएट एडवोकेट्स टोटल इन एक्टिविटी एंड देस ओके सो यहां पर क्वेश्चन हमसे पूछता है कि स्लगिश हाउ हाउ इज द पोएट्स अपील फॉर कीपिंग क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम एब्सलूट स्लगिशनेस ओके ये रिपीटेड नहीं है सॉरी फॉर दैट अब यहां पे हमें क्या एक्सप्लेन करना है कि पोएट की जो अपील है किस चीज की अपील शांत रहने की वो स्लगिशनेस मींस एब्सुलूट साइलेंट से टोटल टोटलिटी से डेथ से किस तरीके से डिफरेंट है तो इसका आंसर हमें क्या लिखना है वही जो मैंने अभी जस्ट एक मिनट पहले आपको समझाया कि लाइफ जो है वो लाइफ इज वॉट इट इज ऑल अबाउट ये लाइन तो आप याद कर लीजिए जो मैं आपको हर स्टोरी में एक एक लाइन बताता हूं ना कि ये लाइन आपको याद रखना है लाइफ इज वॉट इट इज ऑल अबाउट ये आंसर याद कर लीजिए चेक करने वाले के सामने जब ये आंसर लाइन आएगा ना तो उसे लगेगा हाँ इस बच्चे को आंसर आता है और वो अच्छे से नमक मार्क्स देगा क्योंकि तो ये ये वाले क्वेश्चन तो रिपीट होने ही वाले हैं लाइफ इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आया तो ये लाइन आप डाली दीजिए कोई से भी क्वेश्चन हो ये लाइन आप डाली दीजिए क्योंकि एक जनरल स्टेटमेंट है अब यहाँ पे हम समझते हैं तो यहाँ पे पोएट का कहना यह है कि शांति से मतलब आप डेथ से नहीं है टोटल नेक्टिविटी से नहीं है शांति से मतलब गलत काम से है गलत काम मत करो गलत बोलो मत किसी से लड़ाई झगड़ा मत करो प्यार से रहो किसी से गाली गलौज मत करो प्यार से बातें करो किसी को मारो पीटो मत उसके साथ दोस्ती के साथ रहो इस, कर, इस तरीके की शांति वो कहना चाहते हैं ऐसा नहीं कि अब मैं बारह तक गिन रहा हूं तो मैं मुंह भी बंद करके बैठ जाऊं मैं हाथ पैर भी बंद करके एक चेयर पर बैठे ही रहूं अब जितना देर तक मन है वो शांति नहीं चाहते शांति मीन्स नॉन वायलेंस चाहते हैं टॉलरेंस चाहते हैं इन नहीं चाहिए क्लियर तो यहाँ पे एप्सलूट फ्लगिशनेस से इस तरीके से उनका जो है वो डिफरेंट है एंड यहाँ पे हमारी जो पोयम है वो एंड हो जाती है सो आई होप ये अच्छे से आपको समझ आया होगा अगर कुछ भी डाउट है पोयम से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं एंड uh, अच्छा पोएम था काफी मीनिंगफुल पोयम था इसे हमें प्रैक्टिकल लाइफ में भी सीख लेनी है क्या सीख लेनी है लड़ाई झगड़ा नहीं करना है और शांति से रहना है एंड uh, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में Uh, अगले नए पोएम के साथ धीरे धीरे करके हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा 10, 20, 30 मिनट्स आपको देने हैं दिन के इंग्लिश में एंड वो भी डेली नहीं देना है वीक में एक बार वीक में दो बार और साल के एंड तक आपको सारे चैप्टर्स अच्छे समझ में आ जा रहेंगे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आप ही का फायदा है क्लियर और एग्जाम टाइम में रिवीजन तो हम बहुत अच्छे से कराने वाले इस चीज़ का आप टेंशन मत लीजिए जो ट्वेंटी ट्वेंटी का एग्जाम अभी आने वाला है दिसंबर टाइम में जनवरी टाइम में हम इतना अच्छे से रिवीजन कराएंगे कि आप 95 प्लस तो ऐसे ही लेंगे सारे क्वेश्चन पैसेज एक्सट्रेक्ट बेस्ड क्वेश्चन राइटिंग सेक्शन ग्रामर हर चीज हर चीज की हम क्लासेस लेंगे उस टाइम पे अभी हमारा फोकस है चैप्टर समझने का पोयम समझने का तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन गुड बाय थैंक यू टेक केयर जय हिंद